समझ में आ रही है ना। एक कहावत है हिंदी में कि बिना बुलावले मत जई है गौरा, आदर हुई है ना तुहार। तो बिना बुलावले मत जई है गौरा, आदर हुई है ना तुहार, मतलब किसी के घर अगर बिना बुलाए चले गए तो आपका इज्जत नहीं होगा, आपका आदर नहीं होगा, आपका सत्कार नहीं होगा, आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप अनइनवाइटेड गेस्ट कहलाएंगे, मतलब बिन बुलाए मेहमान। और बिन बुलाए मेहमान का कितना इज्जत खातिर होता है मालूम है ना आप लोगों को, है? हाँ याद रखिएगा, बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ओके चले बेटा, तो यहाँ पर पुल्लल हो जाएगा ना यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग या तुम लोग, हाँ खुद या स्वयं या अपने आप, जैसे तुम लोग खुद यहाँ आते हो, ठीक है ना, या आप लोग खुद यहाँ आते हो, आप लोग स्वयं यहाँ आते हो, आप लोग अपने आप यहाँ आते हो, आप लोग को बुलाने के लिए हम इनविटेशन कार्ड नहीं देने जाते हैं। समझ आ रही है, सेंटेंस जब इसमें बनाएंगे तो बड़ी मज़ेदार बनेगा। अभी तो सिर्फ हिंदी समझा रहे हैं ताकि आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, ताकि इसके बाद जब हम पढ़ाए क्या चीज, इम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बता रहे थे ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों का प्रोनाउन सेम होता है, अंतर होता है तो सिर्फ फंक्शन में, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मैं खुद गाली देता हूं और मैं खुद को गाली देता हूं, याद रखो, मैं खुद गाली देता हूं और मैं खुद को गाली देता हूं, मैं खुद गाली देता हूं मतलब मुझे गाली देने के लिए कोई कहने नहीं आता है कि चलो जो है प्रियंका को गाली देना है, चलो सारा को गाली देना है, चलो मारिया को गाली देना है, तो मैं खुद गाली देता हूं। एक होता है कि मैं खुद को गाली देता हूं मतलब अपने आप को गाली देता हूं। गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं ना आप लोग? एक मर्तबे गौतम बुद्ध जो है रास्ते पकड़ कर जा रहे थे, उनके पीछे पीछे एक आदमी जो है उनको खूब गाली दे रहा था, ठीक है ना, पीछे पीछे चल रहा था, उनको गाली दे रहा था, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध को लगा कि इसको नहीं बोलेंगे तो बेचारे का टाइम बर्बाद हो रहा है और मेरे पीछे पीछे जा रहा है, कोई फ़ायदा इसको हो नहीं रहा है। तो गौतम बुद्ध पीछे मुड़ कर पूछे कि कुछ कह रहे हैं क्या, और गुस्सा आ गया, कौन जो आदमी था वो कहा, अरे मैं तुम्ही को गाली दे रहा हूँ, आ तो क्या, आ तो मैं आपको गाली दे रहा हूँ। ओ तो गौतम बुद्ध कहे कि मान लो कि ये कोई वस्तु है और मैं तुमको दे रहा हूँ और तुम नहीं ले रहे हो, तो फिर वस्तु किसके पास रह जाएगा, हाँ तुम्हारे पास, हाँ। तो गौतम बुद्ध कहे कि देखो तुम जो दे रहे हो ना, हम ले नहीं रहे हैं, हाँ हम ले नहीं रहे, यानी कि तुम गाली दे रहे हो तुम्हारे ही पास रह जा रहा है। समझवारी है, हाँ समझवारी है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये वाक्य जो मैंने बताया, ये रिफ्लेक्शन से जो है क्या है, प्रभावित है, मैंने उसी से जो है जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, समझवारी है ना। इसीलिए मैंने बोला कि मैं खुद गाली देता हूँ और मैं खुद को गाली देता हूँ, मैं खुद चोट पहुँचाता हूँ और मैं खुद को चोट पहुँचाता हूँ, मैं खुद मारता हूँ और मैं खुद को मारता हूँ, हाँ समझो, मैं खुद को मारता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो खुद को मार रहा हूँ। अब मैं खुद मारता हूँ, मैंने किसी को थप्पड़ मारता हूँ, जैसे मारिया को मारता हूँ, माही को मारता हूँ, समझ में आ रही है, ध्यान दो सारा, तो समझ में आ रहा है ना। तो इसमें से एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एक इम्फैटिक प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे दिन पढ़ेंगे क्या चीज, इम्फैटिक, तो दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके चलो बेटा, अब ध्यान दो, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब किसके लिए, पुरुष के लिए हो रहा है ना, मेल के लिए, मतलब क्या हिंदी निकलेगा, वह स्वयं या खुद या अपने आप, है ना, अपने आप, ठीक है ना। जैसे वह अपने आप आता है, हाँ वह स्वयं आता है, वह खुद आता है, उसको बुलाने कोई नहीं जाता, ऐसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहे कि हर सेल्फ, हाँ हर सेल्फ माने फीमेल के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, वह
हाँ वह नहीं खुद स्वयं या अपने आप नहीं बेटा। हाँ हाँ ठीक है, लड़की वो कह रहे हैं, इसका मतलब वह खुद यहाँ आती है, वह स्वयं यहाँ आती है, वह अपने आप यहाँ आती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वह खुद यहाँ आती है, वह स्वयं यहाँ आती है, वह अपने आप यहाँ आती है, उसको यहाँ आने के लिए कोई कहता नहीं है, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं देने जाता है, समझ में आ रही है ना। बस एक एक थ्योरी याद रखिएगा, हाँ कि बिना बुलावले मत जाइए गौरा आदर होइए ना, तो हाँ ये चीज़ याद रखना। चलो बेटा अब उसके बाद देमसेल्फ्स, देमसेल्फ्स है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वे लोग खुद या स्वयं या अपने आप, मतलब वे लोग खुद यहाँ आते हैं, वे लोग स्वयं यहाँ आते हैं, वे लोग अपने आप यहाँ आते हैं, समझ में आ रही है, है? मान लो कि आपको इंग्लिश बनाना होगा कि वे लोग अपने आप पढ़ते हैं, हाँ तो अभी इसी इसी का यूज करेंगे ना, इसी थ्योरी का ही यूज करेंगे, हाँ तो कहाँ करेंगे, दे वे लोग खुद पढ़ते हैं या वे लोग स्वयं पढ़ते हैं, वे लोग अपने आप पढ़ते हैं, तो कहेंगे दे स्टडी, बीच में स्टडी हो गया, आर देम सेल्फ्स। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद इंग्लिश प्लस बाय संजीव सिवानी एंड मेक योर स्पोकन इंग्लिश ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ।